आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया। इस बजट से पैटर्न इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट के बाद पैटर्न उद्यमियों में निराशा है। उनका कहना है कि पैटर्न उद्योग के उत्थान के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है। कोविड पेंडेमिक के बाद ये पहला बजट था जिसमें आगराइट्स को बहुत सारी उम्मीदें थी, खासकर पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को। आइए जानते हैं कि जो डिजिटल माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है, उनके जो लैपटॉप से क्या क्या घोषणाएं निकली हैं और पर्यटन इंडस्ट्री को उभारने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं। पर्यटन नगरी को उभारने के लिए इन्होंने कोई उपाय नहीं किए हैं। पहले तो जो सरकार आती थी वो लॉलीपॉप देती थी तो ये लोग कहते थे लॉलीपॉप खा रहे हैं, अब तो लॉलीपॉप भी नहीं दिया इन लोगों ने, और कोई टैक्स में रियायत नहीं दी, तमाम खर्च हो गया। एक साल से हम बेरोजगार बैठे, कोई सुनाई नहीं कर रहे हमारी। आगरा आप कहिए उत्तर प्रदेश का गेटवे है और इंडिया का गेटवे है पर्यटन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि विदेशी पर्यटक आता है तो ताज को ध्यान में रखकर आता है, उस लिहाज से आप क्या उम्मीद करते थे और सरकार ने क्या नहीं किया? देखिए, आगरा जो है विश्व स्तर पर अपने स्थान अलग रखता है। कोई भी बजट तैयार करता है, अगर केंद्र सरकार तैयार करती है तो इस उस हिसाब से करना चाहिए था कि विश्व स्तर पर आगरा मैं अपने आप को प्रेजेंट करना है और ताजमहल भी छवि रखता है। लेकिन इस बार देखा गया है, और जिस तरह से पिछली सरकारों के माध्यम से, मैं वही बात कहूँगा, जो छलावा होता आ रहा है वही छलावा इस बार भी हुआ है। जबकि इस बार देखा जा रहा था कि कोविड निकल के गया था और इंटरनेशनल मार्केट की पोजीशन में पर्यटन की बहुत बड़ी इस समय ख़राब स्थिति थी, और देखा जाए तो रेवेन्यू के माध्यम से पर्यटन बहुत बड़ा एक दुधारू गाय है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इस पर ध्यान देते तो पर्यटन उद्योग अच्छा फलता और फूलता और आगे भी रेवेन्यू अच्छा निकाल के देता। अगर बात करें, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ओर ध्यान दिया है, हेल्थ सेक्टर की ओर ध्यान दिया है, और प्रधानमंत्री ने बजट के तुरंत बाद एक त्वरित प्रतिक्रिया भी दी है कि यह बजट आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है, तो इस ओर आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में या अदर चीज़ों में जो मनी उन्होंने स्पेंड किया है उसको टूरिज्म ट्रेड को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, किसी भी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हेल्थ स्कीम चालू कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होना है। मैं तो सीधा एक बात जानता हूँ कि हम पर्यटन उद्योग की जो हैं पिछले कई वर्षों से बराबर ठगे चले जा रहे हैं, किसी प्रकार की कहीं से भी ना तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। मेरे को तो ये लगता है कि पर्यटन उद्योग जो है इनके एजेंडा के अंदर ही नहीं है, जबकि आगरा नहीं पूरे इंडिया के अंदर जो इनकी जीडीपी की ग्रोथ के अंदर 9.6% जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन उद्योग का है, और इतना बड़ा उनका जो हिस्सा होने के बाद भी पर्यटन को पर्यटन का दर्जा नहीं दिया जाता है, ना पर्यटन को उद्योग के लिए कोई सुविधा दी जाती है। कोविड पेंडेमिक को लगभग एक साल हो गया, एक साल से ही पर्यटन इंडस्ट्री पूरी तरह डम पड़ी हुई है, तो आप क्या उम्मीद सरकार से करते थे, सरकार ऐसा करती जिससे ये उठान पर ये पर्यटन उद्योग होता? देखिए, होटल इंडस्ट्री को सबसे पहले तो बिजली की रियायत देनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं दी। इवन जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें भी इन्होंने कोई रियायत नहीं दी किसी प्रकार की भी। इसके अलावा भी और कोई रियायतें मतलब टैक्सेस में या उसमें किसी में इन होटल इंडस्ट्री को नहीं दिया है, और होटल इंडस्ट्री इस वक्त जिन्होंने होटल चालू भी किए हैं वो भी आधे अधूरे से चालू हैं और कोई उसमें इनकम नहीं हो रही, और कई खर्चे जो है अपनी जेब से कई महीनों से दे रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है, अब उत्तर प्रदेश का बजट भी आएगा, तो उससे आप क्या उम्मीदें करें, क्योंकि ये बजट आपके हिसाब से कैसा है? केंद्रीय बजट में कुछ भी नया नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, कहीं टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं किया, पर्यटन इंडस्ट्री को कुछ भी नहीं दिया। पर्यटन जबकि प्रदूषण रहित उद्योग है, सबसे कम प्रदूषण पैदा होता है इससे और सबसे ज़्यादा आमदनी होती है। एक पर्यटक 5 या 10 आदमी को रोजगार भी देता है, अगर ये पर्यटन को बढ़ाते तो कुछ फायदा, रोजगार बढ़ते, सब कुछ होता, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है, पर्यटन इनके एजेंडे में नहीं है ऐसा लगता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी बजट पेश करेगी तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं? ये अपने किए वायदे नवादे, योगी ने पर्यटन को उद्योग बना दिया, उद्योग का दर्जा दिया, नगर निगम टैक्स को नहीं मानता है, वो 5 गुना ले रहा है जो कि 3 गुना लेना चाहिए उसको नगर निगम को किराए का, जो उद्योग के दर्जे का टैक्स वो भी नहीं ले रहे, अपनी घोषणा ही नहीं पूरी कर पाते, तो अब ये क्या करेंगे कुछ पता नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लैपटॉप से तमाम घोषणा किया जिसमें हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तमाम बड़े वायदे किए हैं, लेकिन
मायूसी है यहाँ पर्यटन व्यवसायियों में। उनका कहना यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने पर्यटन उद्योग को उभारने के लिए कुछ भी अपने बजट में नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी तो वो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या नई योजनाएं लेकर आएगी। अपने साथी उमेश शर्मा और इकबाल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।